प्यार इज द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वहाँ से बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए क्या करना है, योगफल हमको कितना प्राप्त करना है, 636 प्राप्त करने के लिए एपी एपी बोले तो समांतर श्रेणी दी गई है क्या, 9 दिया है, 17 दिया है, 25 दिया है, उसके बाद पद नहीं दिए हैं, डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, मतलब हमको इस श्रेणी में कितने पद हों कि अगर उन सभी पदों का योगफल कर दे बच्चों तो किसके बराबर आ जाए, 636 के बराबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो देगा तो उस क्वेश्चन से हमें कितनी चीज दी गई है वो चीज पहले यहां पर लिख लेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हमको निकालना क्या है। पहली शर्त तो यही है कि जो दिया गया है उसको पहले आप अपने कॉपी में लिखिए, फिर देखिए कि निकालना क्या है हमको। तो देखिए यहां पर 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए मतलब जो ये 636 है ये बच्चों किसकी वैल्यू दिया गया है, ये एसएन का वैल्यू दिया गया है। एसएन का मान कितना दे दिया है, 636। ठीक है चलिए हमको एसएन का मान पता चल गया। फिर आगे बढ़िए, हमको एक एपी दिया गया है, एपी बोले तो समांतर श्रेणी दिया है, यहां से 9 दिया है, 17 दिया है, 25 और समांतर श्रेणी या तो एपी जो दिया गया है, एपी क्या दिया गया है हमको बच्चों, एपी दिया गया है 9 दिया है, 17, 25 डॉट। तो यहां से कितनी चीजें हम निकाल सकते हैं, देखिए जो ये वाला होता है इसको प्रथम पद बोलते हैं, तो ये ए का मान हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां पे प्रथम पद और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, ए का मान कितना दिया है बच्चों, 9 दिया है। ठीक है, उसके बाद या इससे हम डी का भी मान निकाल सकते हैं, डी बोले तो सार्वांतर, तो यहां से सार्वांतर भी निकाल लीजिए आप, सार्वांतर ये डी से। सर्वांतर क्या होता है, दूसरे में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, तो 17 में से 9 माइनस करिए, 17 में से 9 बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब अभी तक हमको एसएन का मान पता चल गया है, प्रथम पद का मान पता चल गया है और सर्वांतर का मान पता चल गया है। हमको निकालना क्या है कि कितने पद लेने चाहिए, अब इस श्रेणी में कितने पद हों, क्या कितने पद हों कि अगर इन सभी पदों का हम योगफल करें, योग करें तो 636 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कितने पद, तो पद मतलब n, तो n का मान यहां पर निकालना है, मतलब पदों की संख्या इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इसी का मान बच्चों हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकलेगा, एसएन का अगर हम सूत्र लिखें, एसएन बराबर क्या दिया गया है, 636 एपी, ये दिया गया प्रथम पद। अब एसएन का जो फार्मूला होता है यहां पे ध्यान से देखिए, अगर एसएन का फार्मूला हम एसएन बराबर होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया गया है। अब देखिए यहां से एसएन का मान आप लिख सकते हैं, a का मान आप लिख सकते हैं, डी का मान आप लिख सकते हैं, केवल आप एन का मान नहीं निकल रख पाएंगे। तो इसमें अगर सब का मान रख दिया जाए तो एन का मान हम निकाल लेंगे कि नहीं, तो यही करेंगे, लिखेंगे यहां सभी मान एस एन बराबर टू ए सॉरी एन बाई टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रखने पर। ठीक है, में रखने पर चलिए मान रख दीजिए। अब sn का मान कितना दिया गया बच्चों, sn का मान दे दिया है 636, तो यहां पर रख देंगे sn की जगह पे 636। ठीक है, बराबर n का मान हमको नहीं पता है तो n बाई टू ऐसे ही लिख देंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए 2a है तो 2a का मान कितना है, यहां से 9 है तो 9 कर देंगे, प्लस n माइनस 1, n का मान हमको पता नहीं है, d का मान हमको पता है, कितना निकालें बच्चों, 8 निकालें तो 8 करेंगे और ये ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और स्टेप देखिए, 636 रहेगा,
बराबर n by 2, इसको n by 2 ही रहने दे, n by 2, और अगर इसको सॉल्व करें तो 9 2 का मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, तो 18 हो गया बच्चों, प्लस है। अगर यहां से आप ध्यान से देखें तो 8 का मल्टीप्लाई 9 n में होगा तो 8n हो गया, 8n हो गया, माइनस 8 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये आपको बन गया 636 बराबर n by 2, 18 प्लस 18, 8n माइनस 8, ये दे दिया। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, देखिए अब देखिए यहां से ये 636 दिया गया, इसको 636 को ऐसे ही लिख दीजिए, 636 बराबर ये n by 2 है, इसको भी n by 2 ऐसे ही रहने दें। इसको देखिए सॉल्व करिए, ये 18 में से 8 माइनस हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा 10 आएगा, 18 में से 8 माइनस होगा तो 10 आएगा, और 8n बचा है तो क्या हो जाएगा 8n और प्लस हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 हो गया। अब देखिए ध्यान से इसको 636 ऐसे लिखा रहने दीजिए, यहां से देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, एन तो कॉमन नहीं है लेकिन दो कॉमन है, क्योंकि दो की टेबल में 8 भी आता है, दो की टेबल में 10 भी आता है, इसलिए हम यहां से जब दो कॉमन लेंगे, दो कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो ये n by 2 और बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो 2, अंदर क्या बचेगा बच्चों, जब दो कॉमन कर लेंगे तो यहां 4n बचेगा और यहां क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से ये से दो, दो से दो कैंसिल हो गया तो ये 636 है बराबर, अब n का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, तो n का मल्टीप्लाई 4n में करेंगे तो 4n स्क्वायर हो गया, अब n का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा प्लस 5n, ठीक है। अब 636 को भी अब उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर, अब 636 इधर चला गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये जीरो बराबर के। अब देखिए आपको यहां पर एक द्विघात समीकरण मिल गया है, क्या मिल गया है बच्चों, एक द्विघात समीकरण मिल गया है, और इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके हमको n का मान निकालना है। तो द्विघात समीकरण आप कैसे सॉल्व करते हैं सबको आसानी से पता है, करते क्या है बच्चे, चलिए द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे अगर n स्क्वायर, ये देखिए जो द्विघात समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इस फॉर्म का होता है ना, देखिए तो यहां पर जो देखिए जो द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फार्मूला है वो ये होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का। अब देखिए ये इसी फॉर्म का है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अब बच्चों इसमें करते क्या है, इसका जो पहला वाला पद होता है इसके लास्ट वाले, इसका जो सी वाला पद होता है ए का सी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर ए का मान ये है, सी का मान ये है, तो पहले वाले पद का लास्ट वाले में पद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहां पर दिया है 636 मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 4 का, तो देखिए 6 चौका 24, 24 का 4, 2 कैरी इस पे करेंगे, 4 3 जा 12, 12 टू 14, 14 का 4 1 कैरी करेंगे, 6 चौका 24 और एक कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा, कितना हो गया कितना 25 44, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 25 44। देखिए 6 चौका 24, 24 का 4, 2 कैरी करेंगे, 4 3 12 और 2 14 हो गया, एक कैरी करेंगे 6 चौका 24 और एक आ जाएगा 25 हो गया। अब देखिए इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना चाहिए हमको 2544, मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना है 2544 लाना है, और प्लस या माइनस करने पर कितना लाना है बच्चों 5 लाना है। तो देखिए जब इस प्रकार का बने तो सोचना, दो नंबर आपको सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2544 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए बच्चों 5 आ जाए। तो चलिए इसका हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 होगा, एक 21 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, 1 आएगा 2 7 जा 14 और यहां पे 2 आ जाएगा 1272, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 जा 12, अब ये होगा 2 3 जा 6, 1 आएगा 2 6 जा ये 636 हो गया, फिर ये 2 से डिवाइड होगा बच्चों तो 3 आएगा, अब ये 1 टाइम जाएगा 8 है 318 आ गया, 318 फिर 2 से डिवाइड होगा यहां पर 1 आएगा, एक बचेगा तो 11 हो जाएगा तो 5, एक बचेगा 11 हो जाएगा तो 5 10, एक बचेगा 9 हो जाएगा, कितना हो गया 159। अब देखिए 159 किससे होगा बच्चों 3 से होगा, 3 5 जा 15 और 3 का 9 से करेंगे तो 3। अब देखिए 53 जो है बच्चों, 53 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 53 जो है बच्चों 53 53 से ही डिवाइड
होगा। अब यहां पर आप समझिए, अब आपको इन इन जो फैक्टर हम किए हैं, इन फैक्टर में आपको ऐसा पेयर बनाना है, इन फैक्टर में आपको ऐसा पेयर बनाना है जिनका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आना चाहिए 2544, और प्लस या माइनस करें बच्चों तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अगर इन इनको साथ में करें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48, कितना आ गया इनका मल्टीप्लाई करने पर 48, और यहां से 53 है बच्चों। अगर 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 53 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। इसका मतलब दो नंबर हमको पता चल गए, कौन कौन से, 53 और 48। जब बड़ा नंबर रहे बच्चों, जहां पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल रहे, तो आप इस प्रकार गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद ऐसे पेयर बना लिया करिए। चलिए अब इतना हो गया, अब देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व जब आगे करेंगे हम, तो देखिए ये 4n² को हम ऐसे लिखेंगे प्लस, अब यहीं से ध्यान रखिए यहां पे प्लस है इसलिए बड़ा वाला जो होगा बच्चों वो प्लस में रहेगा, तो प्लस 53 क्या करेंगे, 53 n कर देंगे, ठीक है, माइनस में माइनस 48 n, और उसको हम हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया 4n² प्लस 53n हो गया, यहां से माइनस 48n हो गया, और यहां पे ध्यान से देखिए इसको लिखेंगे माइनस 636। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है बच्चों, तो क्या करेंगे हम इसका बदल देंगे, माइनस 48n को पहले लिख देंगे, 53n को बाद में लिख देंगे, इससे कोई भी इक्वेशन में चेंजिंग नहीं होगी, और ये बराबर जीरो का है तो बराबर जीरो दिखाएंगे। तो ये देखिए 4n² और माइनस 48n कर देंगे बच्चों, और प्लस 53n को बाद में लिखेंगे, प्लस 53n और माइनस 636 बराबर जीरो। समझ में आ गया, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो 4n क्या करेंगे बच्चों, कॉमन कर लेंगे, जब 4n कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, n बचेगा, केवल n बचेगा, और माइनस यहां पर 12 4 48, केवल 12 बचेगा, ओके। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इसमें अगर आप सोच नहीं पाते हैं तो इतना तो जानते हैं ना कि जब गुणनखंड करते हैं तो जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आता है, और इस ब्रैकेट में केवल हमको n लाना है, इसका मतलब 53 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, 53 कॉमन कर लेंगे, और 53 कॉमन करने के बाद n माइनस, और ये 53 से जब 636 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो 12 बार जाएगा बराबर जीरो। तो यहां पर देखिए ये दोनों एक ब्रैकेट में, सेम ब्रैकेट में नंबर है, तो इसको केवल एक बार लिखेंगे, तो एक्स एन माइनस 12 और 4n प्लस 53 को क्या करेंगे बच्चों, एक साथ लिख लेंगे, तो n माइनस 12 और ये हो गया। अब देखिए यहां से हमको n का मान निकालना है, तो एक बार इसको लेंगे, n माइनस 12 बराबर जीरो लेने पर, और ये देखिए जीरो बराबर क्या है, जीरो लेंगे बच्चों तो n का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, n बराबर 12 आ जाएगा। और यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 4n प्लस 53 बराबर 0 लेने पर, तो 4n बराबर ये प्लस 53 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस 53 में हो जाएगा, इसका वैल्यू पहले माइनस 53 हो गया फिर 4 डिवाइड में भी जाएगा, तो n का मान पहले ही हम बताएं कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला मान नहीं होगा, n का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 12। और वही चीज हमसे पूछा है कि कितने पद, तो 12 पद। अगर इस श्रेणी को हम, इस श्रेणी को हम 12 पदों तक लिख दें इसी प्रकार एपिक में, तो फिर 12 पदों के लिखने के बाद जब उन 12 पदों को हम प्लस करेंगे बच्चों तो किसके बराबर आ जाएगा, 636 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके अगले पार्ट मतलब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद और योगफल, सॉरी अंतिम पद कितना दिया है, एक सेकंड, अंतिम पद 45 दिया गया है, 45 है यहाँ पे, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही चीज जो जो हमको दिया है उसको लिख लेना है। तो बच्चों यहां से देखिए ध्यान से, एपी के प्रथम पद, प्रथम पद
प्रथम पद, प्रथम पद को शॉर्ट फॉर्म में ए बोलते हैं, स्मॉल ए। कितना दिया गया है बच्चों? 5 दिया गया है, लिख लीजिए। अंतिम पद दिया गया है, इसको भी लिख लीजिए, अंतिम पद। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं? एल से डिनोट करते हैं। तो ये कितना दिया गया अंतिम पद? 45 दिया गया, 45 को लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या दिया? और योगफल, योगफल को हम किससे डिनोट करते हैं? एस एन से। तो देखिए योगफल, तो यहां पर आप ऐसे लिखते हैं एपी के प्रथम पद, पूरा अगर लिखें तो एपी के प्रथम पद 45 दिया है, एपी का अंतिम पद एल इतना दिया है, एपी का योगफल, एपी का योगफल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों क्या बोलते हैं? हम एसएन बोलते हैं। और इसका मान कितना दिया है बच्चों? 400 दिया है, तो इसको आप 400 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, अब पदों की संख्या निकालनी है, तो पदों की संख्या बोले तो एन निकालना है, तो पदों की संख्या, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसका मान हमको निकालना है। और क्या निकालना है? सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर बोले तो डी का मान निकालना है, सार्व अंतर, सार्व अंतर निकालना है, और इसको डी से डिनोट करते हैं बच्चों, तो इन दोनों का मान हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो अब ये सोचेंगे कि कौन सा सूत्र आएगा इसमें, तो ध्यान से देखिए, हमने एक चीज बताया था आपसे, अगर प्रथम पद दे दे और एल का मान दे दे, प्रथम पद और अंतिम पद दे दे, तो हमेशा जो हमने ये सूत्र बताया था बच्चों कि एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, इस सूत्र का हम यूज करते हैं। तीन सूत्र अभी तक हमने पढ़ा है। देखिए, अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे दे, प्रथम पद और अंतिम पद देता है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ध्यान से अगर इसको देखें अगर हम, तो क्या इस सूत्र में रखने से कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? तो देखिए, हमको निकालना किसका है? पदों की संख्या एन निकालना है ना, और डी निकालना है, तो इसमें डी तो है नहीं, तो इस सूत्र से डी का मान तो नहीं निकाल सकते हैं। क्या एन का मान निकाल सकते हैं? तो देखिए, एसएन का मान रख सकते हैं, एसएन का मान हमने 400 रख सकते हैं, उसके बाद एन का मान तो निकालना ही हमको, ए का मान 5 रख सकते हैं, एल का मान 45 रख सकते हैं, मतलब इसका भी मान हमको पता है, इसका भी मान हमको पता है, इसका भी मान हमको पता है, तो क्या एन का मान नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल मान निकाल लेंगे। तो बच्चों वही चीज यहां पर करेंगे, तो क्या करेंगे? सभी मान लिखेंगे, सभी मान एस एन इक्वल एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं सभी मान, यहीं पर रख देते हैं। तो देखिए, जब रखेंगे आगे तो कैसे सॉल्व होगा? एस एन का मान कितना दिया गया? 400 बच्चों दिया गया, तो एस एन का मान हम रख देंगे 400 बराबर, एन का मान हमको निकालना है, तो एन बाई टू इसको ऐसे ही लिख देंगे। ए का मान बच्चों यहां से देखिए कितना दिया गया? 5 दिया है, तो यहां 5 करिए, प्लस एल का मान कितना दिया गया? एल का मान 45 दिया गया है, तो आप 45 रखिए। समझ में आया? उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद ये 400 को, अच्छा ठीक है, हम 400 को ऐसे ही लिख देते हैं, 400 को हम लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। एन बाई टू इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दे, इसको 45 और 5 को हम ऐड कर सकते हैं? नहीं, 45 और 5 कितना होगा बच्चों? 50 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 50, ठीक है। अब ये 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? 50 को हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 25 टाइम्स में कट जाएगा, तो 400 बराबर 25 एन हो गया। अब देखिए बच्चों, अब एन का मान निकालने के लिए 25 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में 25 है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 400 बटे 25 बराबर बच्चों एन हो जाएगा। अब 25 इसको डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा? तो 16 बार में क्या हो जाएगा? 400 आएगा, तो एन का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 16 आ गया, ठीक है। अब हमको जो मान यहां पे चाहिए था एन का, पदों की संख्या, एन बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। अब हमको और क्या चाहिए? अब हमको चाहिए सर्वांतर डी का मान चाहिए। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? डी का मान निकालने के लिए आपके पास 2-7 सूत्र और बच रहे हैं, 2 फार्मूले और बच रहे हैं। एक फार्मूला बच रहा है ए एन का, ए एन बराबर देखिए क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन बराबर क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो अगर इस सूत्र में हम सारे मान उठा के रख दे बच्चों, तो डी का मान निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। देखिए, इसमें रखेंगे तो भी आपको डी का मान निकल जाएगा,
इसके बाद इसका इसके अलावा जो एक सूत्र और SN का बसता है उसमें क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d उसमें रखेंगे उसमें भी मान निकल जाएगा। तो आप फ्री हैं चाहे इसमें रखिए चाहे उसमें रखिए, लेकिन इसमें रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट होगा, इसीलिए जो सारी वैल्यू है उठा के इस इक्वेशन में रखते हैं। तो जो an होता है बच्चों इसी को हम l भी बोलते हैं, तो जो an होता है इसी को हम l भी बोलते हैं। n an और l का मान सेम होता है, तो यहां पर देखिए an का मान कितना दिया गया 45, तो यहां पर रखेंगे 45 बच्चों 45 बराबर a का मान कितना है, a का मान 5 है तो 5 रख देंगे, और यहां पर देखिए n का मान कितना है 16 माइनस 1 डी, ठीक है इधर ट्रांसफर करेंगे तो 45 माइनस 5 बराबर बच्चों 16 में से 1 जाएगा तो 15 आएगा, 15 डी हो गया, 45 में से 1 40 बराबर 15 डी, तो डी का मान निकालने के लिए 40 बटे 15 हो जाएगा बच्चों बराबर डी। अब देखिए ये किसी भी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए जो डी का मान होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 40 बटे 15 ही होगा। ये अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, कोई समांतर श्रेणी दी गई है उसके प्रथम पद दे दिया है और अंतिम पद दे दिया है 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इनमें कितने पद और इनका योगफल क्या है। तो हम पहले ही बताए हैं जो जो पहले दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं, चलिए इसमें भी लिखते हैं। तो श्रेणी एपी के प्रथम पद, तो यहां लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद को बच्चों किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और प्रथम पद कितना दिया गया है 17 दिया गया है, तो प्रथम पद 17 हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है अंतिम पद कितना दिया है बच्चों, अंतिम पद दिया है आगे देखिए 350, तो अंतिम पद को हम एल भी बोलते हैं और अंतिम पद को हम ए एन भी बोलते हैं। तो लिखेंगे श्रेणी का अंतिम पद, इसी को बच्चों हम लोग स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं, या यही जो होता है ये ए एन भी होता है, और इसका कितना मान दे दिया है 350 दे दिया है, इसको हम लिखेंगे 350। अब आगे पढ़िए, यदि सर्वांतर डी है तो डी का मान दे दिया, सर्वांतर भी दे दिया है, तो यहां पे लिखेंगे श्रेणी का सार्व अंतर, श्रेणी का सार्व अंतर कितना दिया गया बच्चों, इसको D से डिनोट करते हैं, और सारवंतर कितना दिया गया 9 दिया है तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से इनमें कितने पद हैं, कितने पद बोले तो n, तो सबसे पहले तो हमको n का मान निकालना है, पदों की संख्या, पहली चीज तो हमको पदों की संख्या निकालना है कि कितने हैं, ठीक है दूसरा क्या निकालना है और इनका योगफल क्या है, योगफल का मतलब SN, तो पदों का योगफल, तो दूसरा क्या निकालना है पदों का योग, और इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको SN से डिनोट करते हैं, ठीक है तो पदों की संख्या पदों का योगफल। अब कैसे निकालेंगे पदों की संख्या और पदों का योगफल, ध्यान दीजिए प्रथम पद दिया है A का मान दे दिया है, AN का मान दे दिया है, D का मान दे दिया है, तो इस सूत्र का यूज करके हम देखिए AN बराबर क्या होता है, अगर AN का सूत्र देखा जाए तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या इस सूत्र में मान रखने पर कोई मान निकलेगा, देखिए AN का मान रख सकते हैं, A का मान हम रख सकते हैं, D का मान हम रख सकते हैं, तो N का मान निकल जाएगा कि नहीं, तो N का मान निकालना है, तो बस आपको कुल सोचना है कि कौन सा सूत्र रखें कि मान निकल जाए। तो देखिए पहले an बराबर an का मान रखने पर यहां से n का मान निकल जाएगा, तो रख देते हैं, तो यही चीज ऊपर लिखेंगे, ये लिखे ना an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू d में सभी मान रखने पर तो चलिए रख देते हैं सभी मान इधर रखते हैं, तो an बराबर an की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, an का मान दिया है 350, तो यहां पे 350 रखेंगे बराबर, देखिए उसके बाद a दिया गया है, a का मान 17 दिया है तो 17 रखेंगे, ठीक है प्लस है प्लस करेंगे, n का मान हमको पता नहीं है तो n माइनस 1 ऐसे ही करेंगे बच्चों, और d का मान हमको पता है कितना 9 है तो d का मान रख देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो 17 को इस तरफ लाएंगे बच्चों,
तो ये 350 है, 350 ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 350 माइनस 17 दिया है बराबर n माइनस 1, यहां देखिए n माइनस 1 बराबर ये है, तो 9 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 9n हो जाएगा, और क्या होगा 9 का मल्टीप्लाई माइनस इसमें करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। समझ में आया? अब ध्यान से अगर इसको 350 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 333 आएगा बच्चों, कितना आएगा 333, 50 में 17 माइनस करेंगे तो 33 आएगा, तो ये 333 हो गया। अब ये माइनस में ये भी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 9n हो जाएगा 9n। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको देखिए, देखिए ऐसे कर लीजिए इसको, इसको सॉल्व करने में 333 आ गया। अब यहां पर देखिए 9 कॉमन भी कर सकते हैं, जब 9 कॉमन करेंगे बच्चों तो यहां क्या, ओ सॉरी ठीक है, आप इसको आसान यही पड़ेगा आप लोगों के लिए कि आप इसको कुछ ना करिए, ये n माइनस 1 और 9 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इससे आपको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए n माइनस 1 ही रहेगा और 9 इस तरफ आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये 9 यहाँ पर हो जाएगा। अब 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखिए, 9 3 27 होगा, 27 हो गया। अब 27 हो गया, अब यहाँ कितना बच रहा है देखिए, 6 बच रहा है कि नहीं, 33 में से 27 निकालेंगे 6 बचेगा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और 9 से 63 होता है, तो देखिए यहाँ पर आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो 9 से ये 333 को डिवाइड कर दीजिए, 9 त्रिक 27 होगा, यहाँ पर देखिए 27 हो गया। अब देखिए 13 में से 7 निकलेगा बच्चों के तो कितना आएगा, 6 आएगा, और ये हो गया कितना 63। अब कितनी बार में आएगा, 7 टाइम जाएगा, 9 से 63, तो यहाँ 7 आएगा, ये 63 ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 37। तो n का मान निकालना है, तो ये इस तरफ है तो माइनस, ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 37 प्लस 1 बराबर n, 37 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 38 हो जाएगा, 38 बराबर n, तो n का मान कितना निकल गया बच्चों 38 निकल गया ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब यहां से देखिए एक का मान आपको पता चल गया, n का मान आपको देखिए यहां पर 38 आ गया है, n बराबर कितना आ गया बच्चों 38, इसका मान हमने निकाल दिया है। अब हमको एक और का मान चाहिए, किसका, पदों का योगफल। अब पदों का योगफल निकालना है तो उसके लिए तो हमको Sn का सूत्र लगाना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए चलिए Sn का सूत्र लगाते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है बच्चों, n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल लगाएंगे। क्यों a प्लस एल लगाएंगे, क्योंकि जब हमको प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तो Sn निकालना रहे तो हमेशा यही सूत्र लगाते हैं, इसलिए हम ये सूत्र लगा रहे हैं। लगाने को हम वो भी लगा सकते हैं लेकिन वहां से कैलकुलेशन ज्यादा होगा, यहां कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो Sn का मान निकालना है तो निकालिए यहां से, Sn बराबर, अब देखिए यहां से n बराबर 38 आ गया है, तो यहां पर 38 2 और a का मान बच्चों कितना है, a का मान 17 है तो 17 करिए, प्लस l का मान कितना है, l का मान यहां से है कितना 350 है, तो l का मान कर देंगे हम 350 ठीक है। अब इससे क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 ये 1 आएगा, 1 बच जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर लेंगे, तो Sn बराबर ये 19 रहेगा, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे बच्चों तो देखिए 350 यहां पर है और 17, 350 और 17 कितना होगा 367 होगा, तो यहां पे कर देंगे 367। अब Sn का मान निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो चलिए चलिए मल्टीप्लाई करके हम यहां पे चेक कर लेते हैं, 367 दिया गया है, 367 मल्टीप्लाई कितना है 19 कर देते हैं, 9 से 63 होता है, 63 का 3 करेंगे 6 इसके ऊपर कैरी करेंगे बच्चों, तो 6 9 54 54 और 6 कितना होगा 60 होगा, 60 का 0 होगा बच्चों, यहां पर फिर 6 कैरी होगा, तो 9 3 27 27 और 6 कितना हो जाएगा, 27 और 6 कितना हो जाता है 33 होता है, तो यहां पर 33 हो जाएगा। अब 1 का इसमें करेंगे तो 7 और ये 6 होगा और ये 3 होगा ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा बच्चों, 6 3 कितना होता है 9 होता है और 3 3 6 होता है, तो कितना है 6973 बोले तो 6973
73, तो SN का जो मान हम निकाल रहे हैं यहाँ से, SN बराबर कितना आ गया 6973। ठीक है, तो हमको जो दो मान चाहिए थे बच्चों, पदों की संख्या 38 आ गई और पदों का योगफल जो हम पूछे हमको निकालना था वो कितना आ गया है 6973। तो लास्ट में आप हमेशा आंसर ऐसे लिखा करिए, अतः पदों की संख्या 38 होगी तथा उनके उन पदों का योगफल 6973 होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं, फिर जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।